सलमान खान को किसी न्यूज में आने के लिए किसी तरह के मूवी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो खुद चलती फिरती न्यूज है। और जब गदर 2 की सक्सेस पार्टी में रेड कार्पेट पर एंटर हुए, तब उनके नाम का जिस तरह स्लोगन चल रहा था, टाइगर के जिस तरह नारे लग रहे थे, उससे लग रहा था जैसे सलमान खान की मूवी का प्रमोशन चल रहा है। जबकि सनी देओल ने एक पार्टी होस्ट की थी जहां पर गदर 2 की सक्सेस मनाई जा रही थी और पूरा बॉलीवुड जमा हुआ था एक छत के नीचे। जाहिर सी बात है, सलमान का सनी के साथ रेपो बहुत अच्छा है, इसलिए सलमान खान टाइम निकालकर पहुंचे थे। लेकिन उनके पहुंचते ही कुछ स्टार हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि विकी कौशल और अभिषेक बच्चन। ये दोनों सितारे आईफा में सलमान खान के सामने आने से बचते रहे और सलमान खान की प्रेजेंस में काफी फजीहत हुई थी विकी कौशल की। बहरहाल अभिषेक बच्चन भी उनसे आंखें नहीं मिलाते हैं, हालांकि एंकरिंग उनका नाम तो ले रहे थे, लेकिन अभिषेक बच्चन भी विकी कौशल की तरह उनके एक्स लवर के हस्बैंड ने, इसलिए सलमान खान एक प्रॉपर मर्यादा वाली दूरी मेंटेन रखते हैं और कई मौकों पर तो खुलेआम इग्नोर मारते हैं। हालांकि सिचुएशन तब ज्यादा सेंसिटिव हो सकती थी अगर अभिषेक बच्चन अनुपम खेर के साथ नहीं बल्कि अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ आए होते। अगर ऐश्वर्या राय आती तब तो सारा फसाना कुछ और हो जाता। अगर गलती से सलमान खान अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय टकरा जाते तब तो मीडिया को नया मसाला मिल जाता। लेकिन पैपराजी वालों की किस्मत इतनी बेहतर नहीं थी उस दिन, इसलिए अभिषेक बच्चन भी अकेले नजर आए पार्टी में। सलमान खान तो अकेले आते ही हैं और विकी कौशल भी बिना कैटरीना कैफ के आए, जबकि सलमान खान ने अभी हाल में अपने एक टाइगर 3 के पोस्टर को रिवील किया था। ऐसे में अगर कैटरीना भी आती इस पार्टी में तो मूवी को डबल प्रमोशन मिल जाता। लेकिन सलमान खान के साथ सामना ना हो जाए इसलिए कैटरीना कैफ ने इवेंट से दूरी बनाई होगी और यही रीजन ऐश्वर्या बच्चन का भी होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।